हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। मुझे बहुत टाइम से क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या हम आइल्स को छोड़कर पीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या हमारा स्टडी वीज़ा कनाडा का आ जाएगा। इतने सारे इसके क्वेश्चंस हैं कि उसका सिर्फ एक ही आंसर आज आपको मिलेगा। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी। एंड सो कनाडा जब हम अप्लाई करते हैं स्टडी परमिट के लिए, उसकी ना काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप आइल्स का एग्ज़ाम दे सकते हो। आप पीटी अगर सर्च करोगे ना गूगल पे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि पीटी इज़ वैलिड फॉर कनाडा स्टडी वीज़ा, बट उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। पीटी हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी नहीं एक्सेप्ट करता, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। तो एक्चुअल में क्या है ये आपको इस वीडियो के थ्रू पता लगेगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस चैनल के ऊपर आपको आइल्स के बारे में, कनाडा स्टूडेंट वीज़ा की कोई अपडेट है या फिर स्टूडेंट लाइफ इन कनाडा, हर एक चीज़ के बारे में आपको पता लगेगा। अभी हम बिना टाइम वेस्ट करी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इसकी ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, उसमें भी आपको एक अच्छा स्कोर लेना पड़ता है। अगर हम कंपैरिजन करें आइल्स का एंड पीटी का, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि पीटी बहुत ईजी है, आइल्स डिफिकल्ट है। आइल्स के एग्जाम में एंड पीटी के एग्जाम में डिफरेंस तो होता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि पीटी बहुत ज़्यादा आसान होती है एंड आइल्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। कोई रीज़न ही है कि कोई इतने बच्चे आइल्स क्यों कर रहे हैं। पीटी का थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, उसकी प्रेपरेशन थोड़ी सी अलग होती है, बट उसमें भी आपको अच्छा स्कोर लेना पड़ता है। अगर आपका उतना स्कोर आता है फिर कहीं जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। एंड हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी पीटी को नहीं एक्सेप्ट करती। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो एसटीएस होता है, एंड फिर आपको पता चलता है कि वो कॉलेज तो एक्सेप्ट ही नहीं करता। हो सकता है कि अंटारियो के बाहर जो प्रोविंसेस हैं, सो कनाडा में बहुत सारी प्रोविंसेस हैं, मेक श्योर करो आपका कॉलेज DLI उसका नंबर है, वो अप्रूव्ड है, वो लिस्ट में आता है। काफ़ी कॉलेजेस हैं जो एक्सेप्ट करते हैं बट वो एलिजिबल नहीं होते उस कैटेगरी में जिसमें हमें वर्क परमिट मिलता है। अगर आपने ये पता करना है कि कौन सा कॉलेज वर्क परमिट प्रोवाइड करता है या नहीं, या फिर कौन सा कॉलेज एलिजिबल है, उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको जरूर चेक करना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये सभी चीज़ें वर्क करती हैं। तो सपोज करो आपने पीटी का स्कोर ले लिया, आपका आपका स्कोर आ गया जितनी रिक्वायरमेंट थी, बट बाद में आपको पता चला कि जिस कॉलेज में आपका एजेंट आपको रेकमेंड कर रहा है वो तो उस लिस्ट में आते ही नहीं है जिसमें आप एलिजिबल हो वर्क परमिट के लिए, देन फिर वहाँ पर रिफ्यूजल आती है या फिर आगे जाकर आपको प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि उनका पीटी में वीज़ा आया बिकॉज उनका कॉलेज जो था वो एसडीएस था, उनके प्लस टू में अच्छे मार्क्स थे या डिग्री जब उन्होंने करी तो अच्छे मार्क्स आए, एट द सेम टाइम उनके सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, उनकी एसओपी स्टडी, एसओपी मींस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो उसमें लिखते हो कि आप कनाडा क्यों अप्लाई करना चाहते हो, वो अच्छी थी। उन रीजंस की वजह से जो पीटी है उनका वो उनमें अप्रूव हो गया। सो मैं आपको क्या रेकमेंड करूंगा, देखो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा आइल्स का एग्जाम। सभी कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करती हैं, आइल्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हो तो एसटीएस कॉलेज आपको आसानी से मिल जाते हैं। कॉलेजेस की कमी नहीं है, ना ही यूनिवर्सिटीज की कमी है, तो आपको अप्लाई करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती एंड आपको भी डर नहीं रहता, आप में नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आते कि यार मैंने तो ये गड़बड़ कर रखी है या मेरी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। जब आपका अच्छा इसका स्कोर होता है ना तो फिर आपको खुद भी लगता है कि अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको मैंने आंसर प्रोवाइड कर दिया। बट पीटी अगर आप सोच रहे हो तो मेक श्योर करो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करो। अगर पीटी में अच्छा स्कोर कर सकते हो ना तो आप आइल्स में भी कर सकते हो, इसमें इतनी डिफिकल्टीज नहीं है। सिर्फ इसमें रीडिंग की दिक्कत आती है, तो रीडिंग के ऊपर मैंने बहुत वीडियोज बनाई है। अगर आपका एग्जाम नहीं क्रैक हो पाया, आप एक बार मेरी वीडियोज को चेक करें प्लेलिस्ट में जाकर, आपको वो कोचिंग सेंटर्स में भी नहीं बताएंगे जो मैं यूट्यूब के ऊपर शेयर करता हूँ। सो आज की वीडियो बस यही थी, बट मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप आइल्स का एग्जाम दो, इसकी प्रेपरेशन करो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं ट्राई करूंगा सभी क्वेश्चंस के आंसर करना। अगर वो क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स का कॉमन हुआ तो उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। मुझे पता है और क्या क्वेश्चन आने वाला है कि मेरे कई बार कहते हैं कि स्टूडेंट कि उनके एक मॉड्यूल में कम बैंड है, उनको अप्लाई करना चाहिए नहीं। देखो आपने मेरे से क्वेश्चन क्यों पूछा, बिकॉज आप उस चीज को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो, राइट? आपको उस चीज का आंसर पता है कि आपका स्कोर कम है इसीलिए आप मेरे से पूछ रहे हो। तो जब हमें खुद को पता होता है, इट मीन्स हमें उस चीज़ के ऊपर वर्क करने की जरूरत होती है। तो रिक्वायरमेंट नहीं कंप्लीट, रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करो, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड बाकी वीडियोस बहुत जल्द आने वाली हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।